Hello students, good morning. Hope you all are fine. So start करते हैं हमारा states. States में last में हमने illustration number 6 देखा था. अब देखते हैं illustration number 7. क्या है? The following data are available about the crimes in a city. Find the general index number by fixed base method considering the year 2010 as a base year. So fixed base method है. And 2010 को क्या लेना है? तो 2010 को as a base year लेना है. चलिए उसके रिगार्डिंग मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे. two thousand seven, eight, nine, and ten. And type of crime, the four types के हैं. First, second, third, and fourth. चलिए अब देखते हैं क्या बोला है. यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ क्राइम, यहाँ पे ईयर है 2007, 2008, 2009, 2010. एक और लाइन खींचनी है, रह गई है बाय मिस्टेक मेरे से, क्योंकि जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ना, तो इसका टोटल करना पड़ेगा. इसके पहले जैसे सब में किया था उस तरीके से. सो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे. क्या क्या दिया है? तो टाइप ऑफ क्राइम में है मर्डर. ये पिक्चर का नाम नहीं है. रेप, रॉबरी, थिफ ऑफ प्रॉपर्टी एंड अमाउंट इज अ, वो कुछ अलग लिखते हैं तो मज़ा आएगा. one one zero thirty six one zero two four five zero. 2008 की बात करते हैं. 128 45 720 2630 134 40 770 2910 129 48 830
2890. Okay. Now, what is the question? So question यहाँ पे यही है, 2010 को बेस ईयर लेना और फिक्स बेस मेथड है. तो देखो यार इस टाइप दिया है, 2010 का अमाउंट देखिए, 2010 का अमाउंट है 129. ओके, सो हम क्या करेंगे, 129 से सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट 110 और बेस ईयर है 129, तो 129 इंटू 100, 110 डिवाइड बाई 129 इंटू 100, सो 85.27. नेक्स्ट वन ट्वेंटी एट डिवाइड बाई 129 बेस ईयर का इंटू 100, सो आंसर इज 99.22. फिर 134 है डिवाइड बाई 129 इंटू 100, 103.88. एंड हियर इज 129 डिवाइड बाई 129 इंटू 100, सो 100. क्यों ऐसा किया, 2010 को बेस ईयर बोला है तो 2010 की जो अमाउंट है उससे सबको डिवाइड किया. नाउ रेप की बात करते हैं तो 2010 का है 48, तो पहले मैं सबको 48 से डिवाइड कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा आपको समझने में. और इनटू क्या करना है, 100. अब अमाउंट फिलअप करेंगे, 30 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, 62.5. 45 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, 93.75. 40 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, 83.33. एंड हियर इज 100. अब देखो रॉबरी की बात करते हैं, 2010 में कितना है, 830, तो सबको 830 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100, डिवाइड बाई 830. सो नाउ 610 डिवाइड बाई 830 इंटू 100, 73.49. 720 डिवाइड बाई 830 इंटू 100, 86.75. 770 डिवाइड बाई 830 इंटू 100, 92.77. एंड हियर इज 100. नाउ थीप ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें 2010 का है 2890, तो सबको 2890 से डिवाइड करो और इंटू 100, 2890 इंटू 100, 2450 डिवाइड बाई 2890 इंटू 100, 84.78. 2630 डिवाइड बाई 2890 इंटू 100, 91. 2910 डिवाइड बाई 2890 इंटू 100, 100.69. एंड हियर इज 100. अब क्या करना है, सबका इंडेक्स नंबर का हम टोटल लगाएंगे. सो 85.27, 62.5, 73.49 एंड 84.78. तो इसका टोटल हो रहा है 306.04. सेम हियर, हियर टोटल हो रहा है 370.72. 2009 का टोटल हो रहा है 380.67 एंड 2010 का 400. अब कितने टाइप्स ऑफ क्राइम, तो 1, 2, 3, 4, तो सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आंसर इज 76.51, सेकंड तो 92.68, थर्ड 95.17 एंड लास्ट वन इज 100. सो ये था फिक्स बेस वाली मेथड. तो यहाँ पे हम फिक्स बेस और चेन बेस की मेथड फिनिश करते हैं और अब हम नई मेथड देखने वाले हैं आज. देखते हैं कौन सी वो मेथड है.
जो मेथड है कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चैन बेस एंड फ्रॉम चैन बेस टू फिक्स बेस, यानी कि आपको यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा उसको चैन बेस में कन्वर्ट करना है, या फिर चैन बेस दिया होगा उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू द चेन बेस। फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला है चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इन 200, यानी कि करंट ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर इन 200। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ चेन ऑफ द चेन बेस टू फिक्स बेस। अब देखना है चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्जन तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBI इज इक्वल टू करंट ईयर CBI चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर FBI फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। करंट ईयर का CBI इनटू प्रीवियस ईयर का FBI इनटू 100। वो कुछ सम करेंगे तो ही पता चलेगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। तो देखते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ सम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय फिक्स बेस मेथड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑफ अ स्टेट इन द चेन बेस इंडेक्स नंबर। यानी कि यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया है उसका चेन बेस में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट हम करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा पहले अच्छी तरीके से। यह दिया है और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है। यह FBI किस में कन्वर्ट करना है, CBI में। सो CBI चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर FBI डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर FBI इनटू 100। सो ईयर कौन सा है, 2009 से 2014, 2009, 10, 11, 12, 13, 14।
इसको अच्छी तरीके से लाइन लगा देंगे। सो इंडेक्स नंबर 120, 132, 96, 144, 138 एंड 108। सो CBI, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ CBI? सो करंट ईयर FPI डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर FPI इनटू 100। सो करंट ईयर FPI इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर FPI। तो प्रीवियस ईयर इसके पहले का 2008 का कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। सो एज अ रूल्स CBI के रूल्स के हिसाब से वही ईयर का हम ले लेते थे, याद है ना आपको, लास्ट में हमने यही किया था CBI में। सो 120 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। नाउ कैलकुलेशन ऑफ 2010, सो 132 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का FPI, 120 इंटू 100। सो आंसर इज़ अ 110। नेक्स्ट 2011 का 96 डिवाइड बाई 132 इंटू 100। सो आंसर इज़ अ 72.73। हियर इज़ अ 144 डिवाइड बाई 96 इंटू 100। सो 150, 138 डिवाइड बाई 144 इंटू 100, 95.83, 108 डिवाइड बाई 138 इंटू 100, 78.26। सो ये हमने क्या किया, FBI दिया था उसको CBI में कन्वर्ट किया। कैसे, जो भी इंडेक्स नंबर है उसको उसके प्रीवियस ईयर के इंडेक्स नंबर से क्या करते थे, डिवाइड। लाइक 120 इसके ऊपर वाला नहीं था तो 120 लिया, 132 डिवाइड बाय 120 इनटू 100, 96 डिवाइड बाय 132 इनटू 100, 144 डिवाइड बाय 96 इनटू 100, 138 डिवाइड बाय 144 इनटू 100 एंड 108 डिवाइड बाय 138 इनटू 100। नेक्स्ट नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर कॉमोडिटी विद द बेस ईयर 2007-08 आर एस फॉलो। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड, 2007-08 इज अ बेस ईयर, अंडरस्टैंड। कॉम्पीट द चेन बेस इंडेक्स नंबर, हमको क्या करना है, CBI फाइंड करना है। सो नाउ देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। एंड यह दिया है 2008-9-15-16. Here is a year and here is a FBI fixed base index number, and fixed base index number is a 126, 130.8. One forty three point three, one fifty six point one, one six seven point six, one seven seven point six, one eight one point two, and 177.2.
चलिए देखिए, अब देखो 2007-8 को बेस ईयर बोला था, बेस ईयर यहाँ पे नहीं दिया है, उसके बाद का चालू किया है। 2007-8 बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100, ये याद रखना। मैं यहाँ पे सीबीआई का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करंट ईयर एफबीआई डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर एफबीआई इनटू 100। सो नाउ 2008-9 का फाइंड करेंगे, उसका करंट ईयर का है 126 डिवाइड बाय बेस ईयर है, इसके पहले बेस ईयर आएगा 78 और उसका इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100 इनटू 100, सो 126। तो पता चला क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बोला है 2007-8 बेस ईयर लेना है, ऊपर वाले सब में 2000 कुछ बोला नहीं था, इसीलिए 2009 को हमने बेस ईयर बोला था उसके लिए। बस अब बाकी की मेथड सेम टू सेम, सीपीएफ फर्स्ट वाला ही देखना था कि भाई 126 डिवाइड बाई 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर ऑलरेडी दिया है और वो डिफरेंट है। सो 130.8 डिवाइड बाई 126 इंटू 100, सो आंसर इज अ 103.81। सो ईयर 143.3 डिवाइड बाई 130.8 इंटू 100, सो आंसर इज अ 109.56। 156.1 डिवाइड बाई 143.3 इंटू 100, सो 108.93। 167.6 डिवाइड बाई 156.1 इंटू 100, सो 107.37। ईयर 177.6 डिवाइड बाई 167.6 इंटू 100, 105.97। 181.2 डिवाइड बाई 177.2 इंटू 100, प्रीवियस ईयर को हम डिवाइड करते थे, 102.03। एंड लास्ट वन 177.2, यहाँ पे 6 है, 181.2 यहाँ पे 6 है इंटू 100, 97.79। ओके, सो ये था फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्टेशन।